शराफत अली रमानी और मुबारक अहमद रहमानी साहब अज एक गल सुना लगे वेखो ना जो किसी का मतलब के भला भी करना ना सियाने बंदे आंदे ने भी जे बंदा चंगा होवे ना ते उहनूं जनानी भी नेक ही लब जावे तां ही चुग्गा सही वसदा ते जिहदी जनानी मतलब थोड़ी जी अड़ब होवे ना उह लड़ाईआं बुलारे ते पसाद हुंदे रहिंदे ने ते हुंदे क्यों रहिंदे ने पिछु ए पहला असर हुंदा अगर मां प्यो धी नूं समझावे ना ते ओह मुड़ जले अगले घर जांदी है ते ओह आपदी इज्जत बनांदी है ते नाले करवांदी इज्जत ते नाले मां प्यो दी इज्जत करवांदी। हां जी हां जी हां जी। ते जे ओह ना इज्जत करेगी ते अगले उहदी भी नहीं करदे तुंदे मां प्यो दी भी नहीं करदे। हां जी। ओह गल तुहानू मैं सुनाणा वी दो बंदे सन। हां। दोवें समझदार सन। अच्छा। दनाह बंदे सन। अकलमंद लाई बंदे। अच्छा। ओह दोवें भरा बन गए। दोस्त बन गए। दोस्त बन गए भरा बन गए जी। दोस्त क्या भरा बन गए। अच्छा जी। हुण एक बंदा जिहड़ा ना ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਪਿੰਡ ਸਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਗੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ मुंदरी ला के सोने दे ओने कोल च रखे ते लापी थापियां थप्पण अच्छा पता ना लगा जी ओने काल ना थापी थप्पण लगी सट्टी ओंदे उत्ते जा पई ओ थापी दे विच आ गए ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਣਾ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਾਕੀ ਆਪਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਆ ਮਸਲਾ ਉਹ ਜੀ ਜਦ ਮਾਲ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਰਜਾਈ ਇਹ ਵੀ ਭੈਣਾ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਕਦੇ ਮਿਲਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਜਾ ਜਲੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਸਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈ मुंदरी सोने दी चुक लै गई हुण ओह बंदा भी समझदार सी उहने आख्या भी करमा लईए ख्याल कर किते होर दरख रुक बैठी होवे दी ओह बंदा इहो जिहा नहीं हैगा घर गए ना जाके मिले गए सलाम बुलाया तो अज रोटी पानी दिता तो खादा पीता रंग थोड़ा जा उड़िया आया सी उन्हां दा अच्छा उन्हें आख्या भी हुण बंदे दा रंग देख उड़िया सी भी बंदा इहो जाएगा नहीं हां जिन्हों मैं एक गल करनी है जे गल करांगा ते इसे दी बदनामी हो जानी है बदनामी हो जानी माड़ी गल है चंगी गल नहीं भरा बन के दे जा काम करना चंगा उन्हें आख्या भी आओ फिर किवें आए जे उन्हें आख्या भी आना की यार इस तरह भरजाई तेरे ते कंगन सन पए ते कड़े ते नाले दूसरा मुंदरी सोने दी थापिया भी थपदी सी तू बड़े कोल आया ते ओ चुक लैंदे नी चुक लैंदे हुण साफ सीधी आके भी तू चुक लैंदे नी लै आंदे ने चोरी कर लई हुण ओ अगला बंदा लाई बंदा सी समझदार सी उहने आख्या यार मैं लै आंदे ने अलग लग्या तो नहीं सी उहने आख्या मैं लै आंदे ने उहने आख्या फिर साडे तू जे लैणे सन ते साडे को पुछ के लै आवां उहने आख्या मैं पुछा इस गल नहीं मैं देणा सी कर्जा ते ओ मैं लैंदे ने ते लिया के गिरवी रखे ने ते उधरों लै ने पैसे पैसे लगा तो कर्जा लाया तो मैं जे ले मैं पैसे बना लांगा उन्होंने कड़े से मुंदरी जी छुड़ा के मैं वापस दे आवांगा वापस दे आवांगा इस वास्ते मैं लेंदे ने जनानी जी पई चौंक एक ने वेखिया चोर ने
खलो सकती मेरी बेगम दे कड़े मुंदरी पई है वो तेन मैं देनी ले जा उन्हें आखिया तू पहले पाई आते वेच ला मैं जनानी ना मन मेरा भरा बनया तो गुजारा कर देगा तो जनानी मत ना मन तो कर दुखता ना पै जाए इस वास्ते मैं ये काम किया। अच्छा का ठीक है लो जी वो कड़े उन्हें आपकी जनानी दे मुंदरी जी ना देखती बंदा सी ना वो जनानी का अजे भी दिल च खुद खुद भी बंदे काम किया नहीं है जी नजायज काम गल है नजायज ये बंदा जाएगा नहीं मन हूं राज बतेरा लड़े वेखे मिल गए ना कहीं तू जाता नहीं सामने आ ठीक मिल गए तो लै चल कर जल घर लै गए ना जल दो चार दिन दस दिन पे वो जल थापियां गई ना सुक वो जल थापियां चुक लिया चूल्हे तरीके से पन के लगी ना बालन जल थापी पन्नी तो बिचो कड़े भी निकला तो मुंदरी भी निकला। अच्छा उन्हें आख्या अद बंदे ने आख्या बिहार ला मेरे कड़े तो मुंदरी तो थापनी चो निकला उन्हें आखा हम ला छित्र लवा तो खलो जावा तेन इतने तू उन्हें बदनाम किया भला मानस तू बंदा ही जाएगा सी बंदा जाएगा नहीं थी उन्हें आखा हमने वापस किमें देिए जे सामने सीधे वापस ले जाइए ना तो पल्ले कुछ नहीं रह जाना पल्ले कुछ नहीं रह जाना हूँ कोई तरीका है जा लाइए भी जिस तरीके ना कंगन होकर घर चला जाना। वाह जी वाह। अच्छा उन्हें आखा फिर इवें करिए भी अपने को धी है तो इनका रिश्ता ले जाइए उन्हें। वाह तो धी नूं ये पा के कंगन तो उन्हें घर डाल दिया। वाह जी वाह। गल ठीक है ना जो हम दो जनानी बंदा गया चले फिर उन्हें कोल। अच्छा जल गया वेखा भी आज खैर हो गए सही फिर आ गए जल फिर आ गए तो पूछ आओ भी खरी आ जा अज उन्हें कहा भी इस तरह आए अस मियां तेन धी का रिश्ता देने वास्ते तो साढ़े को रिश्ता जो आपके पुत्र वास्ते ले ला घर जाके तेन आए आने पाया उन्हें आख्या गल सुनो मेरी मैं धी का रिश्ता थोड़ी का नहीं लेंगा ये रिश्ता तू अजी तक करना हो कर लो तुहानू मैं आपकी धी का रिश्ता देना वो ला लो वो ला लो उन्हें आखा भाई ये गल की भी असं आया करो तेन रिश्ता देने वास्ते साडा रिश्ता नहीं लेना आपका देना क्यों भाई ये क्यों ये कम क्यों करना वो लो बंदा बोले उन्हें आखा गल सुन मेरी ये मैं इस गल करना भी मेरी धी जल्द थोड़े घर जाएगी ना तो वह किसी नसल की होगी किसी असल की होगी तो फिर तो सौ रुपये की थोड़ी नसल बदल जाएगी नसल बदल जाएगी तो जो थोड़ी साढ़े घर आ गई तो साड़ा बेड़ा बेड़ा भी तो देगी समझ आई गल जो जी मां होगी ना धी वो नहीं होंगी है ना वो दूसरा मतलब के मियां मोहम्मद बख्श साहब ने एक शेर लिखा है ना मल तुम्हें दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच बियां वाह जी वाह जेहो जी मां मुहम्मद बख्शा ओहदियां ही होवण तियां वाह जी वाह ना कि गल है जेहदी मां होवे थी ओहदी हुंदी ओहदी हुंदी है एक कड़े ते रख बैठी आप कि सांभ के लुका बैठी ते मुकाया ते कीता इहने मेरा मेरा इहनू लब्भण या ना लब्भण मैं ते कड़े लैंदे नहीं सां ते इहने मैनू चोर बना दित्ता ते कल नूं इहदी जम्मी मेरे घर आ गई तो पता नहीं साडे नाल की करेगी की करेगी देखो ना ये धिया भैणा समझाना चाहिए भी आपका ख्याल नाल अकल नाल काम करना चाहिए। हाँ जी लो जी उतो सगो खर्च हो गया ना घर आ गए आने तो मुठी मिट के बह गए भी अगर हूं ये काम जो अस नहीं करते लो जी ये गल है दोस्तों गल मतलब मुस्तक मुक्तसर जी है शुरू तो लैके सारी सुनया जी तो साडा चैनल सबसक्राइब भी जरूर करो गायटी ऑन करो तो अंदा वीडियो वास्ते सानू इजाजत दो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद।